अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। अब सर्दियाँ स्टार्ट हैं तो इसके सर्दियों में चाय के साथ साथ जो है वो सूप का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अभी हम घर में सूप बना रहे थे तो मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने यूट्यूबर बहन भाइयों के साथ जो है वो सूप की रेसिपी जो है वो शेयर करूँ। तो मुझे सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियाँ अभी स्टार्ट ही हो रही थी तो मैंने कहा, मेरा दिल कह रहा था कि आज सूप बनाएं और सूप पिएं, तो चले आए फिर सूप स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक पाव चिकन हमने कुकर में बॉयल कर किया है तो उसके अंदर हमने एक टीस्पून नमक डाला है और एक टीस्पून जो है वो सिरका डाला है, दो बड़ी इलायचियाँ डाली हैं और डेढ़ गिलास पानी डाला है और इसको हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। अभी बॉयल करके उसके बाद अब हम चिकन जो है वो अच्छी तरह श्रेड करेंगे। ये चाहे तो आप हाथ के साथ कर सकते हैं और चाहे फोक के साथ कर सकते हैं। चिकन गर्म बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं फोक का यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अब जो हमारा जो पानी है, चिकन हमने अलहदा कर लिया और पानी अलहदा कर लिया। अब जो पानी है उसको हम अब कढ़ाई के अंदर डालेंगे। ये देखें आपके सामने ये पानी अब कढ़ाई के अंदर हम डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जो भी सब्ज़ियाँ मिले आसानी से बाज़ार से आप वो ख़रीद सकते हैं। आपको शिमला मिर्च भी बीच में डाल सकते हैं। मुझे शिमला मिर्च यहाँ से गांव से मुझे नहीं मिली तो इसलिए मैंने शिमला मिर्च बीच में यूज़ नहीं की। तो अभी हम सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस पानी के अंदर डालेंगे। ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, अभी हमारे पास मटर मौजूद हैं और साथ में ये गाजरें भी मौजूद हैं आप देख रहे हैं, और साथ ये बंद गोभी मौजूद है। हमारे पास ये तीन सब्ज़ियाँ हैं तो अब हम तीनों सब्ज़ियों का इस्तेमाल करेंगे सूप में। तो अभी हम सबसे पहले मटर डालेंगे बीच में और फिर उसके बाद हम गाजरें डालेंगे। इस सूप का जो पानी है ना उसके अंदर हम पहले गाजरें डालेंगे जो चिकन हमने बॉयल किया, और उसके बाद अब हम ये बंद गोभी जो है ये भी बीच में डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मेरे अल्लाह की शान देखें आप, अभी साथ ही जो सूप है इसने कलर पकड़ लिया। देखें माशाल्लाह सुबहानअल्लाह बहुत ही प्यारा कलर हो गया। फ्रेंड्स अभी हमारा जो श्रेडेड चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसके हमने देख रहे हैं आप बिल्कुल अलहदा अलहदा इसको हमने कर लिया। अभी हम चिकन जो है वो बीच में डाल देते हैं। और इसको अब हम अच्छी तरह बीच में मिक्स करेंगे। फ्रेंड हमने दो चम्मच जो है वो सोया सॉस लिया है और दो चम्मच जो है वो हमने चिली सॉस ली है। ये मिट्टी के बर्तन में हमने डाली हुई है। तो अब इसके अंदर हम दो टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दो टेबलस्पून हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे और हम अब दो टेबलस्पून जो है वो सिरका डालेंगे बीच में। दो टेबलस्पून सिरका जो है वो हमने डाल दिया है और इसको अब हम अच्छी तरह हिलाएंगे। अब हम इसके अंदर एक टेबलस्पून जो है वो काली मिर्च डालेंगे और एक टेबलस्पून जो है वो हम नमक डालेंगे, और आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। एक कप पानी में हम दो चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है वो इसको हम सूप के अंदर डालेंगे, एक हाथ से हम डालेंगे और दूसरे हाथ से हम चम्मच इसको हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाए। कॉर्नफ्लोर डालते ही जो सूप है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसके अंदर दो अंडे डालेंगे जो हमने फेंट के रखे हुए थे। और फ्रेंड अगर इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप सबकी मोहब्बत है जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। देखिए मेरे अल्लाह की कुदरत जो है, माशाल्लाह जो है सूप वो बिल्कुल रेडी होने वाला है, और जैसे जैसे आग तेज़ होगी उतना ज़्यादा ये जल्दी थिक होगा। फ्रेंड्स, अभी हमने सूप जो है वो चूल्हे से उतार लिया है। अब आपको हम फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम इसको बाउल में डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा जो सूप है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन बन गया है। इसके साथ ही अब हमें आप दें इजाज़त, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।